हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम पहले इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर का कैसे हल करेंगे। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैसे ज्ञात करें। तो हम मान इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। माना एक्स बराबर ए, उसमें क्या ए बराबर टेन थीटा माना था, या मानेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है, ए स्क्वायर एक्स कितना है, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, लिख दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और डी एक्स हमारा कितना था, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो लिख देंगे ए कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन है पॉन में, इसके ऊपर क्या लगा, रूट लगा, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, इंटीग्रेशन डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन का डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो सर थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।